नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत के बस स्टैंड के ठीक सामने के देख पा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखकर वाकई हैरान होंगे, क्योंकि बारिश से हालात ही इस कदर बन चुके हैं कि आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर व्यवस्था के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए निकासी के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए कहाँ खर्च हुए हैं। वो अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो लाखों करोड़ों रुपए शहर में वाकई में लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे ही पिछले कल से जो है बारिश हुई है, उसके बाद के शहर में हालात इस कदर बन चुके हैं कि लोग परेशान हैं, बेहाल है, क्योंकि पानीपत में जगह जगह पर पानी पानी हो चुका है। लोग मजबूर इस कदर हैं कि अपनी गाड़ियां भी अब पानी में ही छोड़कर लोग चले गए हैं। पानीपत से बस स्टैंड के ठीक सामने की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां से पानीपत के तहसील कैंप से लेकर सेक्टर 25 तक जो है लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। जो वाहन हैं वो रेंगते हुए हाईवे पर चलते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि पानीपत के खादी आश्रम के ठीक सामने व्यवस्था ऐसी है कि वहां पर जल भराव इतना है कि वहां से वाहन जो है निकलना वाहनों को काफ़ी मुश्किल है। और इसी कारण आज सुबह से ही जब से बारिश हुई है, पानीपत में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, और खादी आश्रम के सामने पानी भरा होने के कारण पानीपत के तहसील कैंप से लेकर सेक्टर 25 तक लंबा जाम लग चुका है। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबा जाम पानीपत में इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि बारिश के कारण लोग परेशान हैं, पानी जगह जगह पर भरा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई वाहन चालक तो अपनी गाड़ियां जो है पानी में ही छोड़कर चले गए हैं। देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लोग ज़्यादातर तो पैदल ही अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कई वाहन चालक ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियाँ जो है पानी में ही छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं। जब ये पानी उतरेगा उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे और अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ से जाएंगे। ये देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि अब पानीपत में जहाँ लगातार मानसून से पहले दावे किए जाते हैं कि निकासी की जो व्यवस्था है, शहरवासियों को किसी प्रकार की कोई मानसून के समय में परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि पानीपत में इस वक्त जगह जगहों पर पानी भरा हुआ है। आपके यहाँ पर भी पानी है? हाँ जी है। तो दुकानदारी पर भी कुछ असर पड़ रहा है? दुकानदारी पर जी मारा देखे फर्क पड़ा था, कंपनी का स्टोर है, पानी आपकी दुकान के आगे भरा हुआ है। हाँ, वो तो फर्क पड़ा है। तो ग्राहक आएंगे ऐसे में दुकान पर? ग्राहक तो सुबह का जी कोई भी ना रहा, खाली है, खाली पड़ी। हाँ, बारिश के कारण। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन पानीपत में पानी हुआ है, और जगह जगहों पर पानी होने के कारण यहाँ पर हालात इस कदर हो चुके हैं कि पानीपत में इस वक्त लंबा जाम लग चुका है। तहसील कैंप से लेकर सेक्टर 25 तक ये लंबा जाम इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि पानीपत के ही खादी आश्रम के ठीक सामने पानी निकासी जो है न होने के कारण वहां पर पानी भरा हुआ है, जिस कारण तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम जिलावासियों तक ये खबर पहुंच सके और लोग शहर में आज आने से बच सके। जी हाँ, आज यदि आपको शहर में किसी काम को लेकर आना है तो आप न आएं, क्योंकि आप भी इस जाम में फंस सकते हैं, इस गंदे पानी में फंस सकते हैं, क्योंकि पानीपत में जगह जगहों पर पानी भरा हुआ है। कुछ और जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तब तक इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।